अस्सलाम वालेकुम, हम वुहान में मौजूद स्टूडेंट हैं और हम लोग 20 दिन से यहाँ पे बंद हैं। कंडीशन यहाँ पे काफी सीवियर है, आए रोज नए केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आप वायरस के फैलाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रोज 4000 से 5000 न्यू केसेस आ रहे हैं। परसों 20000 थे, कल 24000 थे और आज 28000 केसेस हो चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद हो चुकी है और हमारे यूनिवर्सिटी के साथ वाली जो स्ट्रीट है वहां पे भी एक केस आ चुका है। हमारा यहाँ पे मेन मकसद था वो स्टडी है। अब जैसे कि जो सूरत हाल बन चुकी है, हम वैसे भी यहाँ पे इस सिचुएशन में अब सिर्फ हम परेशानी पे ही रह सकते हैं, तो और तो कोई ऐसा नहीं है। और जो ये दूसरा कह रहे हैं, जो ये पाकिस्तानी समझते हैं कि हम वहां जाएंगे और हमसे ये बीमारी फैलने का खतरा, ये वायरस के फैलने का खतरा है, तो काइंडली ये समझे कि जो दूसरे चाइनीज जा रहे हैं उनसे पाकिस्तान का कोई खतरा नहीं है। हम तो अभी सेफ है, तो बाद में हम अगर ज्यादा देर रहेंगे तो हमें हमसे कितना खतरा होगा ना। तभी तो हम सेफ, अभी हम निकाले दूसरों का अलाव कर रहे हैं तो हमें क्यों निकाले, हम तो ज्यादा डेंजर वाले एरिया में है ना, तो हमें निकालना चाहिए। और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि WHO की इंस्ट्रक्शन है कि अपने शहरी को यहां से ना निकाले, तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ, आप पाकिस्तानियों ने अप्लाई होती है जो दूसरी कंट्रीज यहाँ से इवैक्यूएट करके लेके गई है, क्या ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए नहीं था? और अगर वुहान इतना ही सेफ है तो दूसरी कंट्रीज, अमेरिका अपने स्टूडेंट्स को ले गया, इंडिया अपने स्टूडेंट्स को ले गया, बांग्लादेश, तो हमें यहाँ क्यों रखा होगा? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, हम इतने ही सेफ हैं यहाँ, तो आप इस तरह करें ना, एक एक एफिडेविट बना के हमारे घर वालों को दे रहे हैं कि अगर कोई यहाँ इन्फेक्टेड हुआ या किसी को कोई मसला होता है तो उसके जिम्मेदार आप बोल रहे हैं, ठीक है? और हम जब तब से अपील कर रहे हैं जब यहाँ कोई पाकिस्तानी इन्फेक्टेड नहीं था, अभी 5 केस आ चुके हैं जो कि किसी से ढका छुपा नहीं है, सबको पता है। अगर खुदा ना खास्ता कल को ये केस इंक्रीज होते हैं तो आप लोग फिर ये कहेंगे कि ये तो हम सारे इन्फेक्टेड हैं, हम इनको नहीं लेके आ सकते। तो इससे पहले कि सूरत हाल मजीद गंभीर हो, खुदा ना कोई अपना इकदाम उठाए और हमें यहाँ इवैक्यूएट करने के लिए कोई अपनी प्लानिंग बताए। हम स्टूडेंट को अगर कोई नॉर्मल बीमारी